नमस्कार, एजे आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, मेरा 20 साल का बेटा बार बार मुंह में छालों से पीड़ित है, क्या चमेली के पत्ते मुंह के छालों में उपयोगी है? इस प्रश्न पर डॉक्टर सुदर्शन कहते हैं, आमतौर पर मुंह के छाले कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन यह खाने पीने में असहजता पैदा कर सकता है। हालांकि यह छोटी सी समस्या अंतर्निहित बीमारी का संकेत भी हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी के मूल कारण का निदान स्वयं करने के बजाय वैद्य सलाह लेना उचित है। कई बार मुंह के छाले ठीक होने में हफ्ते से ज्यादा समय लग सकता है। आयुर्वेद में मुख के छालों को मुखपा कहा गया है। इस प्रश्न से संबंधित मुंह के छालों में उपयोगी बहुत सारे सरल और प्रभावी घरेलू उपचार हैं। छालों पर गाय का घी या नारियल का तेल दिन में 3 से 4 बार लगाना, अमरूद के कोमल पत्ते या फलों की कलियां चबाना, निर्जलित बोरैक्स और शहद से तैयार पेस्ट का अनुप्रयोग, बेर की छाल के काढ़े से गरारे करना, मलबार पालक आदि की पत्तियों को चबाना, यह सभी प्रभावी घरेलू उपचार है। मुंह के छालों के उपचार में चमेली के पत्तों के उपयोग शास्त्रीय ग्रंथ राजनिगंटु में लब्ध है। मालती शीत तिक्ता स्यात् कफग्नि मुखपाकनुत, जिसका अर्थ है कि चमेली शीत यानी शीतलक, तिक्त यानी कड़वा, कफग्नि यानी कफ दोष को शांत करता है, मुखपाकनुत यानी मुखपाक या मुंह के छालों को ठीक करता है। जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम की एंटी अल्सर और इन विट्रो एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी पाने की इच्छा है तो अंग्रेजी में हमारे साप्ताहिक ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।